हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसपी लेसंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी कॉम्पिटिशन एग्जाम नंबर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। डायरेक्टली हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अक्सर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, रूट सेवन। इसका आपको आंसर मार्क करना है। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बेसिक से कर सकते हैं, और भी देर आर न्यूमरस मेथड टू सोल्व ए क्वेश्चन इन मैथ्स, बट वी विल गिव यू द स्मार्टेस्ट अप्रोच। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, सेवन। यहाँ पे सेवन है तो सेवन तो आपको लिखना है। काफी बच्चे इसका आंसर सात ही लिख देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। सेवन बार बार आ रहा तो सेवन लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रूट्स को काउंट करना है, वन टू थ्री। रूट कितने टाइम्स है, थ्री टाइम्स। तो फिर आपको टू रेज टू पावर थ्री करना है। टू रेज टू पावर थ्री कितना होता है, एट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये टू रेज टू पावर थ्री ही क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपका रूट होता है, जो आपका स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, उसकी पावर क्या होती है, वन बाई टू। तो पहले जो नंबर रिपीट हो रहा था वो लिखा हमने, फिर नंबर ऑफ रूट्स काउंट किया, वन टू थ्री, टू रेज टू पावर थ्री किया। जो टू रेज टू पावर थ्री किया हमने बच्चे, एट आया, एट को लिखेंगे आप यहां पे पावर में नीचे, और जो भी आपने यहां राइट डाउन किया है उससे एक कम। यहां पे बच्चे आपने आठ लिखा है, आठ से एक, वन लेस देन एट, आठ से कम क्या होगा, सात। ये इसका आंसर है, सेवन रेज टू पावर सेवन बाई एट। अब इसके ऊपर और भी एक क्वेश्चन करेंगे तो ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रूट एट। पहला काम बच्चे आपने को करना क्या है, जो नंबर रिपीट हो रहा है, वन टू थ्री फोर टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, एट रिपीट हो रहा है। जो नंबर आप रिपीट हो रहा है सबसे पहले तो वो लिखना, आठ रिपीट हो रहा तो क्या लेंगे, आठ ही लेंगे। फिर क्या करना, नंबर ऑफ रूट्स काउंट करने, वन टू थ्री फोर, फोर रूट्स हैं तो क्या करेंगे, टू रेज टू पावर फोर, और टू रेज टू पावर फोर क्या होता है, सिक्सटीन। और सिक्सटीन आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे, और जो भी आपने यहाँ राइट डाउन किया उससे एक कम, सोलह से एक कम क्या होगा, पंद्रह, फिफ्टीन। यही आपका आंसर होगा, एट रेज टू पावर फिफ्टीन बाई सिक्सटीन। इफ द नंबर ऑफ द रूट्स आर फाइव, देन देखिए आठ रिपीट और आठ तो रहेगा रहेगा, बट रूट अप की बार कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू रेज टू पावर फाइव, एंड टू रेज टू पावर फाइव क्या होता है, थर्टी टू। आई विल राइट हेयर, जो भी आपने यहां राइट किया है उससे एक कम, थर्टी टू से वन लेस क्या होगा, थर्टी वन, एंड दैट्स योर आंसर, एट रेज टू पावर थर्टी वन बाई थर्टी टू। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रूट सेवन टिल इन्फिनिटी। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसमें क्या था, नंबर ऑफ रूट्स थे वो फाइनाइट थे, हम उनको काउंट कर पा रहे थे, लेकिन यहां पे इनफाइनाइट तक चल रहा है तो काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, काउंट नहीं कर पाते हैं, रूट सेवन इन्फिनिटी तक जा रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है सेवन रूट के नीचे आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेवन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लाइक दिस, रूट ट्वेल्व टिल इन्फिनिटी। तो टिल इन्फिनिटी तो आपको देखना कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, बारह, तो इसका आंसर क्या होगा, बारह। डायरेक्ट विदाउट यूज ऑफ पेन एंड पेपर यू कैन मार्क इट डायरेक्टली इन योर एग्जाम। तो चलिए कुछ और टाइप्स इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, रूट ट्वेंटी टिल इन्फिनिटी। देखिए काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर 20 राइट डाउन कर देते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहां पे प्लस का निशान नहीं होता, अगर प्लस अब्सेंट होता तो इसका आंसर कितना होता, 20। बट द केस इज नॉट द सेम इन द क्वेश्चन, हेयर प्लस साइन इज गिवन। इफ द साइन ऑफ प्लस और माइनस इज प्रेजेंट देन व्हाट टू डू टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर बच्चे प्लस और माइनस का निशान प्रेजेंट है तो जो नंबर रिपीट हो रहा है आपके पास 20, उसको राइट करेंगे
और इस 20 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे, ऐसे टुकड़े बनाएंगे जिसमें अंतर कितने का हो, 1 का। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें अंतर कितने का हो, 1 का। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 5 और 4, 5 एंड 4। बच्चे इफ प्लस साइन इज प्रेजेंट, इफ प्लस साइन इज प्रेजेंट देन द बिगर नंबर इज योर आंसर। दो फैक्टर बनाए 5 एंड 4, प्लस इज प्रेजेंट तो आंसर विल बी बिगर नंबर, आंसर इज 5। इफ क्वेश्चन √20 - √20 टिल इन्फिनिटी, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का होता, √20 प्लस की जगह माइनस होता, तो हमें 20 के फैक्टर तो वही बनाने थे जिसके अंदर डिफरेंस 1 का होना चाहिए। बच्चे डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। 5 और 4 में डिफरेंस कितने का, 1 का। तो अब की बार माइनस का निशान है, माइनस साइन इज प्रेजेंट, तो स्मॉलर नंबर विल बी अवर आंसर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू क्लेरिफाई द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, √72 - √72 - √72। अब माइनस और प्लस साइन इज प्रेजेंट, जब भी माइनस और प्लस का साइन ऐसे क्वेश्चन में आपके सामने आता है तो इस 72 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिसमें गैप कितने का होना चाहिए, 1 का। ऐसे फैक्टर क्या होंगे, 8 और 9, 8 गुना में 9। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनके अंदर डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या देखना है कि साइन माइनस का प्रेजेंट है या प्लस का। इफ साइन माइनस का है तो क्या होगा, जो स्मॉलर नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। अगर प्लस का सिंबल है तो जो बिगर नंबर और लार्जर नंबर वो क्या होगा, आपका आंसर। इन आवर केस साइन इज माइनस तो स्मॉलर नंबर इज 8, दैट्स अवर आंसर। तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें गैप कितने का हो, 1 का। इफ माइनस साइन इज प्रेजेंट स्मॉलर नंबर इज अवर आंसर। इफ इंस्टेड ऑफ माइनस प्लस इज प्रेजेंट देन फर्स्ट स्टेप इज सेम, मेक द फैक्टर जिसमें डिफरेंस क्या हो, 1 का। इफ प्लस साइन इज प्रेजेंट बिगर नंबर इज योर आंसर, द आंसर विल बी 9 इन दैट केस। तो आंसर क्या होता, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन √132 - √132, सेम टाइप ऑफ द क्वेश्चन, मेक द फैक्टर ऑफ 132 सच दैट डिफरेंस इन द फैक्टर मस्ट बी 1। ऐसे फैक्टर टुकड़े बनाने हैं, गुणनखंड बनाने जिसमें अंतर कितने का हो, 1 का। तो 132 के ऐसे टुकड़े जिसमें अंतर 1 का हो, 11 एंड 12। फिर आपको देखना सिंबल यहाँ किसका प्रेजेंट है, माइनस का। अगर माइनस का सिंबल प्रेजेंट है, स्मॉलर नंबर इज योर आंसर, तो आंसर विल बी 11। अगर माइनस की जगह सभी जगह प्लस होता तो आपका आंसर क्या होता, जल्दी से बोलिए, 12 विल बी योर आंसर। आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड एंड नो ए वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। Now let's move ahead and do some higher level question. If question is like this, √19 + √19, अब तक हमने स्टूडेंट्स क्या सीखा, इस नंबर के जब प्लस और माइनस प्रेजेंट हो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसमें अंतर कितने का हो, 1 का। बट जब नंबर ऐसे होंगे, 19 होगा, 13 होगा, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इसके ऐसे फैक्टर बना पाए जिसमें डिफरेंस क्या हो, 1 का। तो फिर क्या करेंगे, अगर नंबर आपके सामने ऐसा आ जाए जिसके फैक्टर हम नहीं बना पाए, तो एक यूनिवर्सल ट्रिक है जो सभी जगह लगती है, इस ट्रिक को आप नोट करेंगे, √4a + 1 ± 1/2। ए क्या बचे, जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पे क्या रिपीट हो रहा है, 19, तो यहां पे ए की वैल्यू क्या होगी, 19। अगर यहां पे प्लस आ रहा है तो यहां पे प्लस लेना है, अगर यहां पे माइनस माइनस होता तो यहां पे क्या लेते, माइनस। तो सिंपली आपको बस वैल्यू पुट करनी है, तो ए की जगह पुट करेंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 4 76 + 1 77 77, प्लस है तो प्लस 1 लेंगे डिवाइडेड बाय 2, दैट्स योर आंसर स्टूडेंट्स। इफ इन प्लेस ऑफ प्लस माइनस
वाज प्रेजेंट देन, सिंपली चेंज दिस प्लस इनटू माइनस, दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने कुछ नंबर सिस्टम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।